नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि यदि आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर, बेंगलुरु या फिर किसी भी बड़े एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, तो अब यहाँ पर नियमों में बदलाव आ चुका है। आपको बता दें कि जैसे जैसे आप भारत में लोगों को वैक्सीन लग रही है, वैसे वैसे अब यहाँ पर नियमों में बदलाव किया गया है। यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो अब आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो नियम था उसमें सभी पैसेंजर्स को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर पैसेंजर्स को केवल अपना वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। यदि पैसेंजर्स ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो उसको अब कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए वहाँ की सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के तहत यदि किसी भी पाकिस्तान के नागरिक ने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो वो डोमेस्टिक फ्लाइटों से ट्रैवल नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो नया नियम है ये 1 अगस्त से लागू हो रहा है, और 1 अगस्त से पाकिस्तान में कोई भी डोमेस्टिक पैसेंजर जो है बिना कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन ये नियम केवल और केवल डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए रहने वाला है। यदि कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स किसी दूसरे देशों से ट्रैवल करके आता है और उसने वैक्सीन नहीं ली हुई है तो भी वो ट्रैवल करके आ सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर आईटा की तरफ से आ रही है। आईटा यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दुनिया के सभी देश इस समय फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को ट्रैवल की अनुमति देनी चाहिए। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपनी तरफ से अलग अलग नियम लागू कर दिए हैं, जिस कारण से इस समय पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर आईटा ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उसने दुनिया के लगभग सभी देशों की सरकारों से रिक्वेस्ट किया है कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को यहाँ पर ट्रैवलिंग की अनुमति दे, ना कि यहाँ पर कंट्री वाइज नियम लागू करें। आपको बता दें कि आईटा के इस रिपोर्ट को काफ़ी सारे लोग सही मान रहे हैं और उनका कहना है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो भारत की एम्बेसी है उसने वहाँ पर रह रहे भारतीयों से रिक्वेस्ट करी है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कोई भी भारतीय इस समय शहरों से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि इस समय अफगानिस्तान में राजनीति हालात वहाँ के ठीक नहीं हैं और वहाँ पर तालिबान ने लगभग सभी एरिए को कैप्चर कर लिया है, जिसको देखते हुए ही भारत की एम्बेसी जो कि अफगानिस्तान में है उसने अपने देश के लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी भारतीय नागरिक इस समय शहर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि ऐसे हालात में भी हजारों की संख्या में अभी भी भारतीय अफगानिस्तान में हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर फिलीपींस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए फिलीपींस की गवर्नमेंट यहाँ पर थाईलैंड और मलेशिया से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा चुकी है। बीते कल यानी कि 25 जुलाई से इस रिस्ट्रिक्शन को लागू कर दिया गया है जो कि 31 जुलाई तक चलने वाला है। इस समय फिलीपींस की गवर्नमेंट ने पहले ही 8 देशों को यहाँ पर रेड लिस्ट में रखा हुआ था। अब इन 2 देशों को भी रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि टोटल 10 देश हो गए हैं जिन 10 देशों से अब फिलीपींस में लोग ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस लिस्ट में जो पहले से जो देश शामिल थे उनमें हैं इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, UAE और ओमान। इन सभी देशों से फिलीपींस की गवर्नमेंट ने पहले ही अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ था और अब यहाँ पर थाईलैंड और मलेशिया को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर थाईलैंड को लेकर आ रही है। थाईलैंड की गवर्नमेंट अब अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को थाईलैंड में आने की अनुमति देना शुरू कर रही है। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार थाईलैंड में अब बिना क्वारंटीन के आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। उसके लिए थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है 1 सप्ताह के लिए सभी पैसेंजर्स को एक अलग से आइलैंड पर रखेगी और उसके बाद 1 सप्ताह बीतने के बाद ये सभी पैसेंजर्स दूसरे आइलैंड पर घूमना शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि इनमें से किसी भी पैसेंजर्स को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन जितने भी लोग थाईलैंड में ट्रैवल करके जाएंगे उन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है पूरी एक डिटेल गाइडलाइन लेकर आने वाली है और उस डिटेल गाइडलाइन के अनुसार आप सभी लोग थाईलैंड में ट्रैवल करके जा सकेंगे।
यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि थाईलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है जिसका पूरा का पूरा रिवेन्यू जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है, और साल 2020 और साल 2021 में पूरी तरीके से टूरिज्म बंद होने के कारण इस समय थाईलैंड की यहाँ पर मजबूरी हो चुकी है कि वो टूरिज्म को फिर दोबारा से चालू करें, जिससे कि दुनिया के दूसरे लोग जो थाईलैंड में घूमना पसंद करते हैं वो फिर दोबारा से आना शुरू कर सकें। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत से अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब में अब हज खत्म होने के बाद सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है उमराह को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि बीते कल से सऊदी अरब में उमराह चालू हो चुका है। जो लोग भी सऊदी अरब में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उमराह करना चाहते हैं, वो सभी लोग सऊदी अरब में उमराह करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने दुनिया के 9 देशों से अभी भी पैसेंजर्स को उमराह के लिए आने के लिए मना किया हुआ है। इन 9 देशों में जो देश शामिल हैं उनमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और लेबनान शामिल हैं। यदि आप इन सभी देशों से बिलोंग करते हैं तो सऊदी अरब में जाने से पहले आपको किसी भी तीसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सऊदी अरब में ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड सऊदी अरब से एक और अपडेट सामने आ रही है, जिसके अनुसार सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इस समय पाकिस्तान के विजिट पर जाने वाले हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर 27 जुलाई से पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है सऊदी अरब से अपनी उड़ानों को चालू करवाने की रिक्वेस्ट कर सकती है। अभी देखना ही रहता है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद क्या सऊदी और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो पाती हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर कतर को लेकर आ चुकी है। जो लोग भी कतर के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे उसको लेकर यहाँ पर एक अपडेट सामने आया है। कतर की गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके अनुसार यदि आप कतर में जाना चाहते हैं तो आपके पास 5,000 कतर रियाल होना चाहिए। इसके अलावा कतर में केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी का है। आपको बता दें कि यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी शुरू की हुई है। यदि आप यहाँ पर कतर में घूमने जाना चाहते हैं और आपने वैक्सीन के दोनों डोज ली हुई है तो अब आप कतर में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको कतर की गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के बाद ही कतर में ट्रैवल करने की अनुमति है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग इस समय सऊदी अरब और दुबई ट्रैवल करने के लिए कतर का सहारा ले रहे हैं, और कतर के माध्यम से ही ये सभी लोग दुबई और सऊदी अरब जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहां पर भारत में टूरिज्म को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में जो तीसरा कोरोना वायरस का जो लहर है वो यहां पर अगस्त या सितंबर महीने का बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार अभी भी हज़ारों की संख्या में लोग ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीयों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से कोई भी डर नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स आज की एयरलाइंस की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।